10वीं पेंसिल लेंगे, ठीक है। 10वीं पेंसिल से स्टार्ट करा तो अंदर वाला पोर्शन तो पूरा डार्क कर दो इस तरीके से। बाहर की जो आउटलाइन है हल्की हल्की बाहर की आउटलाइन बनाई। ILSS में अभी कोई परेशानी नहीं है कि ये लाइट दिख रहा है या फिर डार्क दिख रहा है, उसमें कुछ नहीं है। इस तरीके से धीरे से ओके, इसको अंदर वाले को ब्लेंड कर लो। फिर HB पेंसिल जो है ऊपर से नीचे डार्क टू लाइट शेड लाओ। जैसे ऊपर है, ऊपर डार्क किया, नीचे आते आते लाइट होगा। ओके, फिर इसको भी अपन ब्लेंडिंग स्टैम्प की मदद से ब्लेंड करेंगे। फिर करेंगे 4B से। 4B से अपन ऊपर वाला पोर्शन डार्क करेंगे। तो सर्कुलर चलाओ पेंसिल, ठीक है। सिर्फ ऊपर का एक कर्व वाला पोर्शन रखना, ऊपर से पूरा नीचे नहीं लाना है, सिर्फ ऊपर का एक कर्व वाला पोर्शन रखना। ओके, नीचे नीचे थोड़ा बॉर्डर पे, और फिर एक हिस्सा छोड़ देना नीचे का जहाँ हाईलाइट आता रहे। थोड़ा बॉर्डर बॉर्डर पे ब्लेंड किया और फिर ये ऊपर ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर अपन देखो तो अपन को अभी भी थोड़ी डेप्थ दिख रही है। ओके, तो वो डेप्थ अपन किस पेंसिल से देंगे? तो अभी तो अपन ने 4B से किया, इससे ऊपर एक और लेयर देनी होगी अपन को, तो वो देंगे अपन 6B से, ये ऊपर वाले पोर्शन पे। क्योंकि अभी अपन ने ये 10B वाला पोर्शन बाद में करेंगे जब आईलैशेस करेंगे, ये ऊपर ऊपर करेंगे, सिर्फ ऊपर। जैसे 4B नीचे ले आए थे वो नहीं करेंगे, सिर्फ ये ऊपर ऊपर वाला पोर्शन किया। ओके, ये ऊपर ऊपर वाला पोर्शन करा और इस तरीके से अपना हो जाता है। राइट आई भी स्टार्ट वही करेंगे अपन जो अपन ने प्यूपिल है 10वीं पेंसिल से करी। थोड़ी थोड़ी बॉर्डर है इस तरीके से। ओके, इसे ब्लेंड कर लो। ब्लेंडिंग करते करते थोड़ा ब्लेंडिंग स्टंप बाहर चलाओ, HB लेयर की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, इस तरीके से फिर क्या करना, 4B लो। 4B अब देखो हाईलाइट जो है अपन इस वाले पोर्शन में छोड़ेंगे, तो यहाँ नीचे नीचे और ऊपर ऊपर अच्छे तरीके से शेड कर लो। नीचे नीचे इतना हिस्सा छोड़ दो हाईलाइट के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी हाईलाइट्स हैं और थोड़ा सा उस एरिया के आसपास लाइट रहनी चाहिए शेडिंग। ठीक है, 6B पेंसिल लो। 6B पेंसिल से ऊपर ऊपर वाला पोर्शन और ये बॉर्डर बॉर्डर पे करो। देखना, याद रखना इस वाले पोर्शन पे नहीं जाना चाहिए पेपर के, अभी वो अपन बाद में ब्रश से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा शेड दिख रहा है। लेकिन उसके लिए अभी अपन एनवी वगैरह यूज नहीं करेंगे, जो ब्रश पे इकट्ठा होगा कलर शेड वही यूज होगा। ध्यान से यहाँ यहाँ किया और फिर ब्लेंड कर दिया। ओके, तो ये आए जिसमें अपन को हाईलाइट चाहिए थे वो आ गए, और राइट वाली आए जिस जो लिटरली पूरी भरी हुई है वो भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो ये अपना हो जाता है। HB पेंसिल से शेड कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, शेडिंग उल्टी सीधी नहीं करना, बाहर जाए बहुत आराम आराम से स्मूथली, इस बॉर्डर के अंदर करना। ओके, बहुत ध्यान से करना है। ऐसा नहीं कि पूरा एक बार में बड़े बड़े ओवल्स बना के कर दो, आराम आराम से करना।
ये वाला जो पोर्शन है पूरा राइट साइड का, इसे भी एक ही तरीके से कर दो। अभी नोज पे मत करना शेड, पहले ये वाले पोर्शन में पूरा स्मूथली शेड कर दिया। ओके, फिर आते हैं आईज वाले पोर्शन पे। आईज वाले पोर्शन में ज्यादा तो आईज का है नहीं कि ऊपर ऊपर शेड किया। यहाँ पे जो दिख रहे ना कर्व, ये ब्रश से बनाते हुए आएगा, ठीक है? जब ब्रश से अपन दो चार बार ब्रश एक ही जगह चला दो तो वो डार्क एरिया आ जाएगा, उस तरीके से होगा। अभी तो ये नॉर्मली यहाँ करो, ये अब जो एरिया आगे आ रहा है इधर पे थोड़ा लाइटली शेड करना, बहुत लाइटली, ठीक है? अब नोज पे क्या है, नोज पे एक बॉर्डर टाइप बनेगी, ठीक है? हाफ अ सेंटीमीटर या फिर 0.7 सेंटीमीटर इतनी। यहाँ से अब थोड़ा डायगोनल में शेड करना स्टार्ट करो ऐसे, ठीक है? डायगोनल में शेड करते करते ऊपर लाइट हो गया, ये क्या है, डेप्थ देने के लिए आए। आईज के नीचे नीचे जो है थोड़ा डायगनल में करो ऐसे, और नीचे आते आते थोड़ा लाइट होगा, मतलब ऐसे जो डायगनल है ना आईज का बन रहा है, ये बनाया और नीचे आते आते थोड़ा लाइट होता जाएगा, क्योंकि अपन को ये चीक्स वाले पे जो हाइलाइट्स रहती हैं वो छोड़नी है। ओके, तो इतना है। नोज पे क्या है, यहाँ पे अभी अपन क्या कह रहे हैं, अभी नहीं कर रहे, 2B की जो लेयर होगी उसके बाद यहाँ ब्रश चला देंगे, ठीक है? नोज पे तो अभी तो सिर्फ नॉस्ट्रिल वगैरह भर लो हल्की हल्की सी। ये वाला जो पोर्शन है नोज के नीचे वाला, इस तरीके से वर्टिकली करोगे तो अभी देखते जाओ बस, ठीक है? इस तरीके से किया, ये हाईलाइट वाला पोर्शन ही आता चीक्स का। मैं ड्रॉ नहीं कर रहा आउटलाइन, वरना वो एक लाइन जैसी बन जाती। यहां से एक वर्टिकली शेड करते हुए आएगा, ठीक है? ऐसे डायगनल में जाना चाहिए, तो अब ऐसे थोड़ा नीचे झुकाया और फिर ऐसे कर्व करते करते ऊपर ऐसे नोज में मिक्स कर दिया, ये हुआ। अब एक और हाईलाइट चिन वाले पोर्शन पे आता है, तो वो अभी नहीं, पहले थोड़ा ये हिस्सा फिल कर लो। तो लिप्स के नीचे नीचे शेड करेंगे, यहाँ लिप्स के चिन वाले पोर्शन पे शेड करो। देखो हाईलाइट अब अपन को बहुत ज्यादा भी नहीं छोड़ना, पता चला है पूरा एक ओवल शेप छोड़ दिया। ऐसा भी नहीं कि बहुत कम छोड़ना, कि एक डॉट टाइप बचा है, अप्रोप्रिएट अमाउंट छोड़ना। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ से हल्का हल्का ओवल शेडिंग करते हुए आओ, ऐसे ओवल्स में चला रहा हूँ, ठीक है? तो अभी तो कैमरे पर हो सकता नहीं दिख रहा हो, बहुत हल्का हल्का दिख रहा हो। ये बनाया मैंने ओवल, अब मैं देखता हूँ कि ये सही है कि नहीं। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा है, तो मैं ये एरिया फिल करूंगा, ठीक है? हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा कम करता जाऊंगा। तो उससे क्या हुआ, ये थोड़ा कम हुआ, मेरे हिसाब से थोड़ा और होना चाहिए। तो हल्का हल्का यहाँ शेड किया, थोड़ा यहाँ शेड किया, और ये अपना हो गया, ठीक है? बहुत ज्यादा नहीं करना शेड। और बीच में जो एरियाज हैं ऐसे ये वाले, इन्हें फिल कर दिया। देखो स्मूथली करना, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नहीं करना है, स्मूथली ही करना। तो इस तरीके से चेहरे का हो जाता है। ये हाइलाइट वाला पोर्शन थोड़ा छोड़ देना चीक्स के पास और चिन के पास, वो ब्लेंड करते समय भरेंगे। तो ये फर्स्ट लेयर हो जाती है आसानी से। ओके, ब्लेंडिंग के लिए अपन ने कॉटन की टिप बना ली। अब धीरे धीरे स्पेसिफिक एरियाज, ठीक है? जो बाहर ग्रेफाइट निकले वो अपने आप इरेज कर लिया करो, ठीक है? और कॉटन से एक ही जगह मत घिसते रहा करो, ऐसे कंटिन्यूसली चलाते रहा करो। ओके, कंटिन्यूसली। ओके, फोरहेड किया। अब आईज वाला जो पोर्शन है ये बहुत हल्के तरीके से करना, ऐसे बहुत ज्यादा डार्क नहीं हो जाना चाहिए। या आईज के नीचे वाला पोर्शन आता है ऐसे कर्व करते हुए और धीरे धीरे नीचे ले गए। चीक्स वाले पोर्शन, जो नोज वाला पोर्शन है, इस पे भी अपन ने बहुत हल्के तरीके से ब्लेंड किया। अभी नोज स्टेम पे नहीं ले जाना, इसे खाली रखना। जो नोज की जो डेप्थ आती है ना, जो स्लांट वाला पोर्शन, यहाँ पे जो डेप्थ दिख रही है अपन को, उसी पे ब्लेंड करते जाना है अपन को। फिर चीक्स वाले पोर्शन पे जो आते नीचे, यहाँ पे बॉर्डर बॉर्डर पे चलाओ पहले, ठीक है? जो अपन ने यहाँ तक ब्लेंड शेड किया था, ये खाली छोड़ा था, तो इन दोनों के बीच बीच में चलाओ। तो उससे क्या होगा,
अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगा, बाकी तो अपन ब्रश से कर ही देंगे जहाँ जरूरी होगा, लेकिन एक जो इनिशियल लेयर है वो अपन कॉटन से कर दे रहे, क्या है जल्दी भी हो जाता है स्मूथली भी हो जाता है। सेम चीज यहाँ पे जो हाईलाइट छोड़ा उसकी सराउंडिंग में से गोल गोल चलाओ, ठीक है, तो जितना छोड़ा था उससे थोड़ा छोटा हो गया है, ओके। और ये मत करना कि उल्टी सीधी जगह कहीं पे बना दिया, ऐसे नहीं कि टेढ़ा जा रहा है लेफ्ट साइड हो गया, नहीं इसे सेंटर पे रखो यहाँ पे, स्मूथ करना, कोई भी एरिया लगता है कि ये भाई ये रफ हो रहा है तो उसे स्मूथ करो। इसके बाद क्या करो, ब्रश लो और फिर ब्रश से करो, ब्रश से कौन सा पोर्शन करना है, जो आईज पे ये वाला हिस्सा दिख रहा है ऐसे आईब्रोज से यहाँ आता हुआ, ये वाले पोर्शन पे 4-5 बार ऐसे ब्रश चला, तो उससे क्या होता है जो अपन को कर्व चाहिए यहाँ पे वो आ जाएगा आईज आई के सामने, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा डेप्थ सी आ गई है तो वो चाहिए मुझे। तो या तो हल्का हल्का क्या कर सकते हो, शेड कर सकते हो ऐसे HB पेंसिल से, सिर्फ मार्क करने के लिए, ऐसा नहीं कि पूरा एरिया शेड करना है, सिर्फ हल्का हल्का वो मार्क करने के लिए किया, और फिर इसको अपन ने अपने ब्रश से कर दिया, थोड़ा यहां यहां पे चलाया, आईज के नीचे चलाते हुए थोड़ा नीचे ले गए और चीक्स के पास चलाते हुए थोड़ा ऊपर। तो अपन को यहाँ पे चीक्स पे जो एक डेप्थ चाहिए होती है यहाँ पे जो थोड़े उठे हुए लगते हैं वो हल्के हल्के ब्रश से दिए, क्योंकि अपन ये जो सराउंडिंग में शेड है और यहाँ पे जो शेड है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, तो ग्रेफाइट जो अपन ये ब्रश में अपन उसका यूटिलाइजेशन करेंगे, ओके। तो इस तरीके से अपन फर्स्ट लेयर जो है वो ब्लेंड कर लें, तो इतना करो। और 2B पेंसिल लो, ठीक है, 2B पेंसिल में आपको क्या करना है, ऊपर वाला पोर्शन पूरा डार्क रहेगा, ये वाला पोर्शन तो अलग ही डार्क है कि ये हेयर्स आ जाता है, ओके। तो इस तरीके से कर्व बना लो, ये तो अलग ही डार्क है, फिर बाकी वाले पोर्शन में शेड करना स्टार्ट करें, स्मूथली करना, इतना हिस्सा छोड़ देना, ठीक है, इसमें लाइटली करेंगे अभी, थोड़ा एक मिड टोन से थोड़ा डार्क करो, ठीक है। अब ये थोड़ा लाइट करेंगे ताकि ब्लेंडिंग में आसानी रहे, थोड़ा मिड टोन्स पे आओ, ठीक है, ये ऊपर का पोर्शन पूरे डार्क होएगा, ये आईज के ऊपर का थोड़ा और ज्यादा डार्क करो। राइट साइड में आते हैं तो यहाँ चीक्स के पास थोड़ा सा छोड़ना है हाईलाइट, देख सकते हो, तो नोज पे किया, यहाँ पे शेड हल्का हल्का, ओके, यहाँ पे किया, थोड़ा ज्यादा सा छोड़ना ताकि वो ब्लेंड करते समय वैसे भी कम हो ही जाता है, तो यहाँ पे आराम आराम से करते गए, ठीक है। तो मैंने राइट साइड में पूरा पोर्शन 2B से कर दिया, अब यहाँ पे आईज के पास आऊं, तो आईज के पास यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, तो लेफ्ट से स्टार्ट करो मिड टोन से, और राइट साइड आते आते लाइट होता जाएगा, ठीक है, लाइट हुआ और लाइट हुआ और इस तरीके से ये गायब सा हो गया, ठीक है, ये वाला पोर्शन डार्क किया मैंने और कुछ नहीं। नॉस्ट्रिल पे आते हैं, नॉस्ट्रिल के अंदर नोज स्टेम पे, तो लाइटली यूज करना 2B को, लाइटली यूज करना भाई ऐसे डायगोनल में शेड करते हुए, नोज स्टेम पे अभी भी नहीं करना ना ही लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे, ऐसे डायगोनली करते जाना है, ओके। ये किया, देखो इससे डेप्थ भी आ गई, नोज थोड़ी उठी हुई भी लग रही है, आईज वाले पोर्शन में शेड करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा नीचे आते आते लाइट हुआ, नीचे आते आते लाइट हुआ, फिर वर्टिकली करना स्टार्ट किया, फिर
बेसिकली अपन जैसे एचबी लेयर करी थी वैसी कर रहे हैं, बस इतना है कि एचबी जैसे यहाँ तक करी थी तू भी थोड़ा उसके पीछे तक करेंगे। उससे क्या होगा, जो अपन को एक डार्क टू लाइट ट्रांजिशन चाहिए रहता है ना वो अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे टू भी थोड़ा नीचे तक रहेगी, एच बी यहाँ तक थी, टू भी उसके थोड़ा नीचे रहेगी। और स्मूथली करना है, ऐसा नहीं कि बीच में गैप दे रहे के छोड़ रहा, तो स्मजेस आ सकते हैं और बीच में पैचेस भी बन सकते हैं कि तुमने एक डार्क थोड़ा लाइट थोड़ा डार्क वो नहीं चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। लिप्स के नीचे करना स्टार्ट करेंगे, फिंगर्स के बीच में, चिन के ऊपर ऊपर, चिन के ऊपर। अब देखो क्या करना है, डार्क टू लाइट ले जाओ। तो यहां से जैसे डार्क स्टार्ट किया, मिड टोन्स और ऊपर आते आते लाइट, ये डार्क, ये मिड टोन्स, ऊपर आते आते लाइट, ये डार्क, ये मिड टोन्स और ये ऊपर आते आते लाइट। ठीक है, यहाँ फिंगर्स के पास ये डार्क हुआ, बाहर की तरफ आते आते मिड टोन्स और ये लाइट, थोड़ा थोड़ा ये फिंगर्स के सराउंडिंग में। ठीक है, तो ये हिस्सा जो अपना राइट साइड डार्क था वो देख सकते हो, ऊपर भी उतना ही डार्क है, नीचे भी उतना डार्क है, तो इसका मतलब सही चल रहा है अपन। ठीक है, यहां से लाइट, अब ऐसा नहीं कि इसकी तरफ ले जाते एकदम ही डार्क रखो, ले जाते हुए लाइट करते जाओ, धीरे धीरे लाइट किया, अंदर ले जाते हुए लाइट किया और ये लाइट हो गए। फिर बाकी का जो एरिया है उसे नॉर्मली स्मूथली फिल कर दो। ठीक है, तो अपन को ये वाला एरिया थोड़ा लाइट चाहिए था, वो हो गया है। हल्का सा डार्क करना है यहाँ पे आईज के पास, तो वो अभी या तो 2B से कर लो या फिर 4B से, बहुत हल्के हल्के से करना। इसको भी प्रिटी बेसिकली सेम तरीके से ही ब्लेंड करना है। तो वही अपन ने कॉटन लिया, स्मूथली कॉटन चलाते गए। इस बार अपन को बहुत ज्यादा ये जो कर्व दिख रहे हैं ना, इसे करने की जरूरत नहीं है, ब्रश से एक बार काफी रहता है। जरूरत पड़ा तो एंड में जब अपन एक एक एलिमेंट पकड़ के अच्छे तरीके से डिटेल करेंगे ना आईज नोज लिप्स, तो उस टाइम कर देंगे। लेकिन अभी जितना अपन को फर्स्ट लेयर में जरूरी होता है उतना अपना हो गया, इसे किया। बस याद रखना फोरहेड स्मूथली हो जाए, क्योंकि फोरहेड अपना डार्क है। आईज के पास आते तो लेफ्ट से लाइट जा रहे हैं, तो उसे फैलाते हुए जाना है। ऐसा नहीं करना कि एकदम लाइन सी बन जाए, लेफ्ट टू राइट अपनी ऐसे फैलते हुए जानी चाहिए। आईज के नीचे वाला पोर्शन ऐसे कर्व करते करते धीरे धीरे नीचे ले गए, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं ले जाना कि एकदम ये सब फिल कर दो। इस पर अपन ने भाई जैसे एच बी यहाँ तक किया था, टू बी यहाँ इसके बीच में चलाओ ऐसे ओवल शेप, उससे कहते हैं स्मूथ ट्रांजिशन ब्लेंडिंग हो जाती है, कि एकदम ही बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं, बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं। यहाँ पे हाईलाइट के पास ध्यान रखना, थोड़ा सा छोड़ना। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरी फिल कर दो, थोड़ा सा दिखना चाहिए कि भाई हाँ अपन ने कुछ हाईलाइट छोड़ा है। फिंगर या अपने चिन के पास अपन ने सर्कुलर चलाना स्टार्ट किया, ओके। बाकी का पोर्शन अपन ने ऐसे ब्लेंड करते हुए फिल करा, ओके। फिर ब्रश से जो थोड़े थोड़े पोर्शन बच जाते हैं, ऐसे ये वाला थोड़े लिप्स के नीचे, फिंगर्स में, यहाँ पे आईज के नीचे थोड़ा, यहाँ में नोज, नोज पे जरा अच्छे से करना, और फोरहेड से ऊपर से नीचे लाते हुए थोड़ा सा ब्रश यूज करना। इस तरीके से अपन बेसिकली कर लेते हैं अपना सेकेंड लेयर। ठीक है, फोर्थ लेयर मतलब थर्ड लेयर जो 4B से होगा और 6B से अगली लेयर, उसमें अपन स्पेसिफिकली एरिया जैसे डार्क है जो आईज के ऊपर राइट साइड वाला नेक वाला पोर्शन, तो वो करेंगे। तो इतना करो, इतना ठीक है मेरे हिसाब से अभी।